गेस्ट के लिए हम गिफ्ट लेकर आए हैं वो जल्दी से ले आओ ना। जी अम्मी मेरे कमरे में, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी लेकर आना सर। हाँ क्या करी? माशाल्लाह इमरान मियां, यह अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है और महंगी भी होगी। वैसे एक बात कहें, आज आप कमाल के लग रहे हैं। सगाई में यह हाल है तो आगे क्या होगा इमरान? आवाज बंद करो। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? इमरान मियां, आपको हमारा वो बच्चा, आई मीन हमारा वो गिफ्ट नहीं मिला। इसे आपके एक्सप्रेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपको हमारा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये तो असद का कमरा है। हेलो। इस घर को हम तुमसे बेहतर जानते हैं इमरान। कैसे? हमने बताया तो था कि तुम्हारे जाने के बाद हमने एक रईस से निकाह करने की कोशिश की थी। असद अहमद खान। What? असद अहमद खान? तुमने असद भाई को भी फंसाने की कोशिश की और वहां कुछ नहीं मिला तो तुम यहां गई। ओहो इमरान मियां, ये तो आपकी मोहब्बत है जो हमें आपके पास खींच कर ले आती। और वैसे भी हमें कामयाबी नहीं मिली तो क्या हुआ, हम नाकाम भी तो नहीं हुए। तुम हो ना, अगर हमें यहां पर किसी ने देख लिया तो? जी जान, अम्मी को पता नहीं था कि वो गिफ्ट मैं ले आई हूं। हॉल में ही है, आप आ जाइए ना, आप ही का इंतजार हो रहा है। चलो। या अल्लाह कहाँ चली गई वो बुरके वाली औरत, भी तो यही थी। और वो थी कौन? इमरान भी नजर नहीं आ रहा। हॉल में बहुत सारे मेहमान होंगे, उन सबसे मिलने से बेहतर है सीधे भाईजान के कमरे में जाता हूं।
2 करोड़ Have you lost it? तुम्हें पता भी है 2 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? रणवीर तुम पागल हो गई हो क्या? पागल? वो तो हम 2 करोड़ रुपए देखकर हो जाएंगे। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा? सोच कैसे लिया? सोच तो आप लीजिए इमरान मियां। 2 करोड़ में हमारी खामोशी। बुरा सादा नहीं है, वरना अगर सोचे दुनिया वालों को अगर ये पता चला कि हमारी पेट में आपके प्यार की निशानी पल रही है तो फिर आपका क्या होगा इमरान मियां? और वैसे भी इस घर में निकाह हो जाने के बाद तो आपके पास 2 करोड़ से कहीं ज्यादा पैसे होंगे, नहीं? ठीक है, पर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। ओहो, तो हम कब कह रहे हैं मियां कि हमें बहुत जल्दी है, आप आराम से अपना टाइम लीजिए। लेकिन हाँ, आपके निकाह के पहले हमें हमारी रकम मिल जानी चाहिए, क्योंकि आप तो जाते ही हमारी फितरत हमसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। 3 दिन, बस 3 दिन में हमें हमारी रकम मिल जानी चाहिए। वरना भाईजान, सुधरोगे नहीं, अपनी बहन की सगाई में भी तुमको खिड़की से आना। ओ हाँ, आप भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो और कहूँ, नहीं मुझे लगा तुम्हारी तरह नहीं हो, अपनी बहन की सगाई में इधर उधर घूम रहे हैं। और आप इतना लेट क्यों हैं? सगाई खत्म हो गई। I'm really सॉरी भाई, वो एक्चुअली मैंने सोचा कि जब सारे मेहमान जा चुके होंगे तब आराम से आऊंगा और अकेले बैठ के नजमा से बात करूंगा। समझता हूँ। लेकिन तुम आ ही गए हो तो सबसे मिल लो, सब हॉल में लो। भाई हॉल में कहाँ जाएंगे भाई, इतने सारे मेहमान आ रखे हैं कि आपके कमरे तक में भरे हुए हैं। मेरे कमरे में कोई नहीं। अरे भाईजान, मैंने सच में देखा किसी को अंदर, एक भाई साहब किसी बुरखे वाली औरत से कुछ बहस कर रहे थे और जैसे ही मैं देखने जा रहा था अंदर और आपने खींच गया अपनी तरफ। तो नजमा की कोई सहेलियां होंगी, बहुत सारी सहेलियां होंगी, उनमें से कोई हो। चलो रणवीर, अब तुम जाओ यहां से। रणवीर, याद रखना इमरान, तनवीर वो बला है जो शीशे से पत्थर को तोड़ते। अगर तुमने अपना वादा नहीं निभाया ना तो हमें तुम्हारा राज सबको बताने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, समझे? जानू,
क्या पुरानी मोहब्बत की खातिर एक बार गले भी नहीं लगोगे? अब क्या उसके लिए भी तुम्हें अंधेरा चाहिए? तुम्हारे बाहर भाट की तरफ कहाँ जा रही है? तन्वी, हाय क्या आता है, चलते फिर मिलेंगे। 2 करोड़ के साथ इमरान, आप ये औरत कौन थी जिससे तुम बात कर रहे थे, बुरके वाली? और कैसे जानते हो तुम उसे? इमरान, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, खामोश क्यों हो? कैसे जानते हो उसे तुम? और क्या बातें हो रही थी तुम्हें? कौन औरत? वो जो अभी गई यहाँ से? अरे हाँ, ये बुरके वाली अभी तुम्हारे पास से गई ना, एक औरत। तुम बातें कर रहे थे उससे, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? मैं नहीं जानता। मुझे लगा वो आप लोगों की मेहमान है, मुझे आके सगाई की मुबारकबाद देने लगी और चली गई। मुझसे बाहर आकर रास्ता पूछ रही थी, तो मैंने बस बाहर आकर उसे रास्ता बताया। शुक्र है अल्लाह का कि तुम उसे नहीं जानते, क्योंकि हम सब उसे अच्छे से जानते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कितनी गिरी हुई औरत है। इस घर की खुशियां तो वो देख ही नहीं सकती। पता नहीं कौन से इरादे लेकर आई थी इस बार भी। और हाँ, दोबारा ये औरत तुम्हें कुछ भी पूछे, बाहर जाना है, अंदर आना है, या कहीं भी मिले ना, जस्ट इग्नोर हर। जानते नहीं हो तुम कि ये औरत क्या कर सकती है। तुम इसे दूर ही रहना, समझे? एक पल के लिए तो मैं डरी गई थी कि तुम इसे कैसे जानते हो, और तुम दोनों आपस में बातें भी ऐसे कर रहे थे जैसे बहुत पुरानी जान पहचान है। नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। थैंक गॉड, बातें तो ऐसे कर रहे थे जैसे। अब चलो। इमरान जी, चलो। जी बिल्कुल। इसकी क्या जरूरत थी भाईजान? आज के दिन एक भाई अपनी बहन को जो भी तोहफा दे वो कम है। तोहफा तो आप मुझे ऑलरेडी दे चुके हैं भाईजान। आपने मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, सब कुछ मेरे झोले में लाकर डाल दी। इस तोहफे की मैं कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। कंग्रेचुलेशन आलू। आलू? ओह, देखो जज्बातों में इसका पेट नेम भूल गया मैं। टमाटर, टमाटर राइट? टमाटर, टमाटर जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंग्रेचुलेशन इमरान। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन। कैसे हो रॉबर्ट, कब आए? बस अभी आया, थोड़ी देर पहले। ओके भाईजान, मैं निकलता हूँ। मैं चलता हूँ। क्या, अभी थोड़ी देर पहले आए ना और अभी जा रहे हो? ओके तो इसी बात पे एक शेर अर्ज है। अपनों की महफिल में क्यों बन रहे हो बेगाना, अपनों की महफिल में क्यों बन रहे हो बेगाना, अब जब आ ही गए हो तो खा के जाना टमाटर की सगाई का खाना। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भाईजान क्या फिर से लड़ाई हो गई आप दोनों की? भाईजान ये तो रोज की बात है। भाईजान अगर आप दोनों एक दूसरे से इतना ही लड़ते हैं तो निकाह क्यों कर रहे हैं फिर बताइए? पागल होना मेरी दिली ख्वाहिश है। अल्लाह मियां व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम बताओ रॉबर्ट, तुमने आज तक कोई ऐसा शख्स देखा है जो अपनी होने वाली दुल्हन के बारे में ऐसी बातें करे, ऐसे ताने मारे? नहीं बिल्कुल नहीं। और भाईजान सीरियसली अगर आप मोना को ऐसे सुनाएंगे ना तो अपने निकाह वाले दिन किसी और के साथ भाग जाएगा। आई टेल यू। एग्जैक्टली, मैं तो वैसे भी भागने में एक्सपर्ट हूँ, बताया था मैंने इन्हें। भाग तो जाएंगे लेकिन बर्दाश्त कौन करेगा ने? रियली? मुझे कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ओके तुम बताओ रॉबर्ट, तुम मुझे बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। सुना तो ठीक है, मोना भागेगी तो सिर्फ अपने रॉबर्ट के साथ। क्यों रॉबर्ट? हाँ बिल्कुल चले चले अभी तो। बाय। एक मिनट, आप लोगों की बकवास खत्म होगी नहीं, करनी पड़ेगी। आप जनाब लेट हो रहे थे। मुझे दिखाई दे रहा आप क्या कर रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है, इमरान ने तो साफ मना कर दिया था कि वो क्यों तनवीर को नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा है तो तनवीर ऐसे उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये ऐसा गिफ्ट बेटी ने भेजा है, और उस दिन वो जो इमरान की सोशल नेटवर्किंग साइट पे फोटोग्राफ थी और वो कमेंट्स, वो भी टी यानी तनवीर ने भेजे थे। लेकिन इमरान हम सबसे झूठ क्यों बोल रहा है, छुपा क्यों रहा है ये बात? और अल्लाह जाने कि तनवीर इस बार कौन सा खेल खेल रही है। कैसी हो डियर?